हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्लिसफुल यू एंड माइंड। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे शेयर करती हूँ मेरी वीडियोस रिलेटेड टू हेल्थ, ब्यूटी, फिटनेस, फैशन एंड मैनी मोर। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसे कहा जाता है सुखड़ी। ये एक गुजराती रेसिपी है और बहुत फेमस है। ये यूजुअली प्रसादी में बनाई जाती है और ये हम बहुत इजीली बना सकते हैं। ये गेहूं के आटे से बनती है तो ये बहुत ही हेल्दी है, प्लस इसमें गुड़ पड़ता है तो और ही ज़्यादा ये हेल्दी हो जाती है। यूजुअली जो स्वीट्स की जो रेसिपीज़ होती हैं लिटिल ट्रिकी रहती हैं, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग रहती है। कभी भी ऐसा मन हो, कुछ मीठा खाने का मन है प्लस हेल्दी भी हमें खाना है, तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यस, यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। एक्चुअली ये जो रेसिपी है सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम आती है, बिकॉज क्या है, इसमें गुड़ पड़ता है जो सर्दियों के लिए लिटिल गर्म रहता है, प्लस इसमें आप ड्राई फ्रूट और गोंद डाल के भी बना सकते हैं। एज आप जानते हैं कि गोंद जो होता है वो सर्दियों के लिए बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव साबित होता है। सो आने वाले रेसिपीज़ में ज़रूर से ज़रूर आपसे ये भी शेयर करूँगी कि आप गोंद, ड्राई फ्रूट्स डाल के कैसे एक अच्छी आटे की, गेहूं की जो बर्फी है वो बना सकते हैं। चलिए जी, फिर देर किस बात की है, जल्दी से फटाफट से चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं रेसिपी शुरू करूं, मैं आपको बता दूं चैनल पे बहुत अमेजिंग रेसिपीज़ हैं, लाइक इवनिंग स्नैक्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवनिंग स्नैक्स, मेन कोर्स रेसिपीज़ डिफरेंट टाइप ऑफ, जिसमें कि सब्जियां आ जाती हैं, और आइसक्रीम्स हो गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स हो गई। सो प्लीज़ आप चैनल पर विज़िट करके ज़रूर से ज़रूर रेसिपी देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। डिफरेंट रेसिपीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक में क्लिक करके आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने 300 ग्राम जितना घी ले लिया है। अब फटाफट से चलिए इसे कर लेते हैं गरम। चलिए जी फ्रेंड्स, अभी तेल थोड़ा सा गरम हो गया है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो मैंने 300 ग्राम जितना आटा डाल लिया है, मतलब 300 ग्राम घी, 300 ग्राम आटा। चलिए अब कर लेते हैं फटाफट से मिक्स। जो इस मेन रेसिपी का सोल है, जो मेन चीज़ ध्यान रखने की है, वो यही है कि आटे को आपको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। तब तक भूनना है जब तक कि लिटिल ब्राउन नहीं हो जाता। जब पहले आप आटा डालेंगे तब आपको घी थोड़ा कम लगेगा, आटा ज़्यादा लगेगा, मगर जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे तो जो हमारा आटा है वो ढीला होना शुरू हो जाएगा। और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल ये जो बैटर है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो अब ये मैंने सुखड़ी की जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, ये एक बिल्कुल बेसिक रेसिपी है जो हम यूजुअली गुजरात में जो बनाई जाती है एज अ प्रसादी चढ़ाने के लिए बनाई जाती है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल ऐसे ही घर के यूज़ में भी बना सकते हैं। अगर आप घर के यूज़ के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, और अगर का सर्दी का टाइम है तो आप इसमें गोंद भी ऐड कर सकते हैं। ये रेसिपी आगे मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि इसको आप और ज़्यादा कैसे हेल्दी बना सकते हैं। जी चलिए बैक चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं ये आटा भून रही हूँ। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने जब ये गैस पे रखना है तो फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम टू हाई रखी है। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल जो स्पैटुला है आपका, जो आपकी करछी है, बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। आपको कंटिन्यूस इस करछी को चलाते रहना है। अगर आप करछी को रोक देंगे तो आपका आटा जलने के चांसेस हो सकते हैं। सो हमें करछी बिल्कुल घुमाते रहना है अच्छे से, और आटे को भूनना है। तो कब तक भूनना है, जब तक कि ये लिटिल ब्राउन नहीं हो जाता। जी लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप अब ध्यान देंगे मुझे भूनते भूनते, देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये जो मेरा बैटर है लिटिल लूज होना शुरू हो गया है। अगर आप ध्यान देंगे अच्छे से तो बैटर बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ऑयल सिक्रीट होना भी धीरे से शुरू हो रहा है और बैटर बिल्कुल लाइट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको यही ध्यान रखना है, मेजरमेंट्स जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ आप उसी हिसाब से अगर डालेंगे अच्छे से, जब आप अपनी सुखड़ी को भूनेंगे जब तक ये लिटिल लाइट ब्राउन नहीं हो जाता, सुखड़ी आपकी बहुत गजब बनेगी बॉस।
इस रेसिपी का बस एक ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सूखड़ी को अच्छे से भूनना। अगर आप सूखड़ी को अच्छे से नहीं भूनेंगे तो आपकी सूखड़ी जो आटा होगा वो बिल्कुल कच्चा कच्चा सा लगेगा। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, अच्छे से इसको भूनें। देन उसके बाद हम लास्ट जो अभी इंग्रेडिएंट डालेंगे वो सिर्फ एक ही है, वो है हमारा गुड़। चलिए फ्रेंड्स जी, यहाँ पे देखिए 15 मिनट मुझे नियर बाय हो चुके हैं भूनते भूनते और ये बैटर बिल्कुल लूज़ पड़ चुका है। चलिए जी अब डाल लेते हैं और मेरा बैटर का कलर बिल्कुल आप देख रहे हैं तो ब्राउन हो चुका है। अब मैंने ऐड कर लिया है ये हमारा गुड़। ये लीजिए जी 250 ग्राम जितना मैंने अब गुड़ ऐड कर लिया है। अब देखिए गुड़ जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे तो बैटर का टेक्स्चर बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आप गुड़ डालेंगे तो आपको मेन जो इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है, आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देना है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। जैसे ही गुड़ मिक्स हुआ है अब मैंने इसमें जो मेरा पैन था उसमें मैंने उतार लिया है। अब इसे हम कर लेते हैं फटाफट से सेट। ये देखिए स्पैटुला की हेल्प से और थोड़ा सा हम कटोरी की हेल्प से, थोड़ा स्पून की हेल्प से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ ये देखिए इस तरीके से आपने सेट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो टिप था वो यही थे कि मेजरमेंट्स आपको बराबर रखने हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट टिप है, जैसे ही आप गुड़ डालेंगे तो आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देना है और सूखड़ी को आपको मिक्स करते रहना है ताकि वो गुड़ पिघल जाए और हमारा जो बैटर है, जो ये आटा है, बिल्कुल भी जले नहीं। क्योंकि क्या होता है, गैस तो हम बंद कर देते हैं मगर जो हमारी कढ़ाई रहती है वो गर्म रहती है। सो आपको ध्यान रखना है, बैटर आपको मिक्स करते रहना है जब तक कि वो आप बैटर किसी पैन में या किसी चीज़ में आप उतार नहीं लेते। चलिए जी फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से मेरा बिल्कुल ये बैटर सेट हो चुका है अच्छे से। अब रख लेते हैं इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए। अब देखिए जी यहाँ पे जब मेरा बैटर मैंने ठंडा करने के लिए रखा था तो उसमें मैंने हल्के से ऐसे थोड़ी थोड़ी सी लाइंस बना दी थी ताकि आपको काटने में ईजी रहे। अब देखिए जब ठंडा हो गया तो आपका जो बर्फ़ी है वो आप ईजीली निकाल सकते हैं। चलिए जी फ्रेंड्स, मेरी बर्फ़ी तो बिल्कुल खाने के लिए रेडी है जी। चलिए जी आप भी बनाइए ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी और शेयर करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी आपके कमेंट्स कि कैसी लगी आपको ये बर्फ़ी। ज़रूर से ज़रूर मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसी ही अमेजिंग रेसिपीज़। चलिए जी फ्रेंड्स, अब बारी है आपकी, आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आप नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखना चाहेंगे। फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जी फिर मिलती हूँ ऐसी कुछ अमेजिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए आप रहें स्टे ब्लिसफुल एंड स्टे हेल्दी।